तो फ्रेंड्स, ब्रेक शू डालने के लिए सबसे पहले हमें टायर खोलना पड़ेगा, और टायर खोलने के लिए ये वाला नट खोलना पड़ेगा। ये 24 नंबर की जो चाबी है, जो हमारे रॉयल एनफील्ड के जो टूल्स आते हैं उनके अंदर भी आती है चाबी। और फ्रेंड्स, दूसरी साइड जो आपको ये पेचकस लगाना पड़ेगा यहाँ पे इस तरह से, ताकि ये घूमे ना। जब ये घूमेगी तो आपको इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए इसमें पेचकस लगाना है ताकि ये यहाँ पे रुक जाए और टायर आसानी से खुल सके। मैं जो टूल यूज़ कर रहा हूँ वो ये वाला है, तो मैं जल्दी से टायर खोल देता हूँ। और फ्रेंड्स, दूसरी तरफ से जब हम ये पेचकस जो हमने लगाया था इसमें, इसका एक लगाने का खास कारण ये भी है कि इसको जब हम निकालेंगे तो इस तरह से ये निकलेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आपने ये वाला नट खोलना है, और ये नट खोलने के लिए 19 नंबर की जो चाबी वो लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, उसके बाद आपने ये वाला नट जो है ब्रेक को टाइट करने वाला होता है, इसको आपने खोल देना है, बिल्कुल ही खोल देना है, और इसको निकालना है बाहर, इसको बाहर निकाल देना है। इस तरह से। और ये वाला नट है जो ये वाला नट है, इसको आपने इसके बाद ये खोल देना है आपने। ये जो है, ये 30 नंबर की चाबी जो है इससे खुलेगा, ये वाला नट है जो, और नीचे वाली साइड से आप यहां से ऐसे खोल सकते हो। इस तरह से इसको खोल दो। और ये खोलने के बाद जो आपका चेन सेट है वो बाहर निकल जाएगा, और इस तरह से आप आसानी से ये बाहर निकाल सकते हैं। ये इस तरह से, और वैसे ही इसको थोड़ा सा ऐसे हिला के ऐसे बाहर निकाल लीजिए। और फ्रेंड्स, जो हमारा ये बैक जो रेयर स्पोकेट है, इसको आपने यहाँ से अंदर से क्लीन करना है। अगर यहाँ पे ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है तो रेगमार लेके सैंड पेपर है जो, सैंड पेपर से आपने इसको अच्छे से क्लीन करना है, रगड़ना है, जिससे ये पूरा साफ हो जाएगा। आपने ये दूसरा जो है इसको भी अच्छे से साफ करना है, उसके बाद लगाना है। और फ्रेंड्स, हमारा ये भी साफ हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल नए जैसा हो गया है। और इसमें जल्दी से हम ब्रेक फिट कर देते हैं, जो हमारे ब्रेक शू हैं, पुराने वाले मैंने निकाल दिए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, वो देखिए काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, मैंने काफ़ी दिन इसमें चल निकाल दिया है। और फ्रेंड्स, जो ब्रेक शू हैं, मैं रॉयल एनफील्ड के जेन्युइन स्पेयर पार्ट हैं जो वहाँ से लेके आया हूँ, और इसका MRP जो है वो ये स्क्रीन पे आ रहा है आपके, इतना है। और मैं इसको जल्दी से डाल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फ्रेंड्स। इसमें आपने एक बात ध्यान रखना है कि स्प्रिंग जो हैं ये आपके दोनों होने चाहिए, आपने ये ज़रूर चेक करना है, क्योंकि स्प्रिंग अगर नहीं होंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। ये स्प्रिंग दोनों होने चाहिए। ये फ्रेंड्स, लगाते हुए आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो हमारे इसमें भी ये जो चपटा है, यहाँ से ये चपटे वाला हमारे इस साइड आएगा, और ये जो गोल है, ये गोल हमारे इस साइड आएगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आएगा ये। फ्रेंड्स, अब लग चुकी है, और इसको जल्दी से फिट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपने इस तरह से देखो, बहुत इजी तरीके से लग जाता है, यहाँ इस तरह से आपने इस तरह ये फिट कर देना है, ये देखो। और इसके बाद वहाँ पे जैसे हमने खोला था सेम वैसे ही वहाँ पे फिट कर देना है इसको। यहाँ पे फ्रेंड्स, पहले आपने इस पे इसकी जो चेन है उसको चढ़ाना है, और ये ध्यान रखना है चेन जो है ज़मीन पे ना गिरे, ताकि उस पर मिट्टी ना लगे। इस तरह से चेन अच्छे से इसमें लगा के, और उसके बाद हम
यहाँ पे इसको लगाना है। इसका फ्रेंड्स ये जो कटा हुआ भाग है इसको देखना है आपने, दूसरी साइड से आप इस तरह से ये जैसे मैं ये बाहर निकाल रहा हूँ आप इसको इस तरह से घुमा के सेट कर सकते हैं और तब ये फिट आएगा एकदम। और अब जल्दी से इसमें इसके नट लगा दो, और नट टाइट करने से पहले आपने इसमें वो देखना है जो इसकी ये इसको चिड़िया बोलते हैं जो भी बोलते हैं, आप कमेंट करके नाम मुझे बता सकते हैं इसका, तो इसको आपने जल्दी से इसमें सेट करना है। जितने नंबर पे दूसरी साइड है उतने ही नंबर पे यहाँ पे आपने इसको सेट करना। इस तरह से, और ये फ्रेंड्स नट आपने टाइट तब करना है जब इसमें ये प्रॉपर जो है आ जाए, दूसरी साइड जितना है हमारी जो टायर की अलाइनमेंट है बिल्कुल सीध में आ जाए, चेन जो है प्रॉपर टाइट हो जाए। चेन का आपने एक बार चेक भी करना है, अगर ज़्यादा लूज है तो इसको थोड़ा सा आप टाइट कर सकते हो। और इसके बाद जो दूसरा हमारा नट है यहाँ पे इसके भी आपने इस तरह से इसका नट और वाशर दोनों, और टाइट करने से पहले आपने एक बार चेक करना है टायर लगा के दोनों साइड, ये लूज होगा जब आगे पीछे आप चेन को टाइट कर सकते हैं। और जो हमारी ये रोड है, अब ये रोड है इसको भी आप इसमें फिट कर लो। इस तरह से, और इसका जो नट है वो इसमें लगा। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से टायर तो इसमें डल चुके हैं मोटरसाइकिल में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।